हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कंप्यूटर क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर की फाइल में यानी कि डॉक्यूमेंट में किस तरह से डॉक्यूमेंट में हम टेबल इंसर्ट करना है या हमें मान लीजिए कहीं पर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई डायग्राम हमें बनाना है, ये सब चीज़ें कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम क्या क्या चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें हम डेटा एंटर करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे टेबल्स अगर हमें इंसर्ट करना है, एक तो कहीं पर भी आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, टेबल या कोई डायग्राम आप बना रहे हैं या कोई चार्ट आप डाल रहे हैं, कोई और कोई भी चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं, मे बी पिक्चर, टेबल और वॉट एवर, तो आपको जहां भी इंसर्ट करना है पहले आप उस कर्सर को वहां पे प्लेस कर दीजिए। जहां पर कर्सर होगा वहीं पर आपका ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा। हालांकि मान लीजिए आपने कहीं पर इंसर्ट कर दिया है, यहां नहीं आपको कहीं और ले जाना है, तो आप बाद में उसको मूव कर सकते हैं, आप कट कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने इंसर्ट किया है। लेकिन पहला स्टेप यह है कि आप कर्सर को प्लेस कर दीजिए जहां पे आपको रखनी है ये टेबल या कोई डायग्राम या कोई पिक्चर, राइट। और उसके बाद आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, वहां पर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था कि अगर हमको कहीं पर मान लीजिए यहां से मुझे एक नए पेज चाहिए, मैंने कर्सर को जहां प्लेस करा है और मैंने कहा इंसर्ट न्यू पेज, तो वहीं उस कर्सर के आगे से एक नया पेज आ जाएगा, राइट। इसी तरह से कर्सर को प्लेस करते हैं और कंट्रोल एंटर की दबाते हैं, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की है किसकी, पेज ब्रेक की। पेज ब्रेक आपने दे दिया तो जहां पे कर्सर है वहां से एक नया पेज, वहां पे क्या होगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो कर्सर जहां पर है वहां तक जो भी कुछ है वो आपका पेज अलग हो जाएगा और उसके नीचे एक ब्रेक आ जाएगा, आगे का कंटेंट दूसरे पेज से चालू होगा। तो पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का अर्थ समझ में आता है, हम कहीं पर भी पेज ब्रेक डालते हैं उसका अर्थ यह है कि हम ये कह रहे हैं कि यहां तक हमारा पेज रहेगा, इसके आगे का जो कंटेंट है वो दूसरे पेज पर होगा, पेज ब्रेक। तो इसको पेज ब्रेक बोलते हैं कि पेज को यहीं पर खत्म कर दिया जाए और आगे का कंटेंट दूसरे पेज से चालू हो। तो ये पेज ब्रेक डालने के लिए हम इंसर्ट पर जा सकते हैं, वहां से चुन सकते हैं पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज, या फिर हमें कवर पेज चाहिए तो कवर पेज। कवर पेज पर आपका हमेशा स्टार्टिंग पेज होगा, फर्स्ट पेज होगा। आप कर्सर को कहीं भी प्लेस कर दीजिए, अगर आप कहते हैं इंसर्ट कवर पेज तो फर्स्ट पेज जो है वो इंसर्ट होगा, और उसका फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हैं कि भाई इस तरह का चाहिए, फिर आप उस कवर पेज पर कहाँ क्या लिखना है वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, राइट। बाकी जैसे हम टेबल बना रहे हैं या हम कोई पिक्चर डाल रहे हैं, या मान लीजिए हम डेकोरेटेड टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो डेकोरेटेड टेक्स्ट वर्ड आर्ट जो है वो आप इंसर्ट करें तो जहां कर्सर है वहां इंसर्ट होता है, राइट। इसके अलावा बहुत तरह तरह की इसमें शेप्स और सिंबल्स अवेलेबल हैं, उन शेप्स सिंबल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके एक कंप्लीट डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, या कोई और अन्य प्रकार के चार्ट्स पिक्चर्स आप खुद भी बना सकते हैं, और उस पूरी पिक्चर में जो अलग अलग चीजें आपने लगाई हैं, जैसे आपने ऊपर एक सर्किल लगाया है, नीचे दो एरोज लगाए हैं, फिर आपने कुछ रेक्टेंगल बनाया है, फिर आपने नीचे दो स्क्वायर्स लगाए हैं, तो ये सारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप करके आप एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि इस कंप्लीट पिक्चर को आप कॉपी पेस्ट करके दूसरी किसी अन्य फाइल में या इसी फाइल में कहीं और भी अगर दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, राइट। तो टेबल्स, आपको पता है टेबल क्या होती है, टेबल की जो लुकिंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। टेबल में होते हैं कुछ रोज और कुछ कॉलम्स, हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें एक सेल मिलता है, जैसे कि ये एक टेबल है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर क्या है, ये क्या है, एक रो, इसी प्रकार से ये एक रो है, ये एक रो है, और ये भी एक रो है, और ये सब क्या है, ये सब है कॉलम्स,
ये हैं हमारे कॉलम्स। तो टेबल जो है वो कई सारे रोज और कई सारे कॉलम से मिलकर बनती है। आप बताएंगे कितने रोज और कितने कॉलम्स की टेबल आपको इंसर्ट करनी है। और हर एक रो, जैसे कि ये पहली रो है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पर हमें ये जो मिलता है एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ये एक सेल है, सेल किसका, रो वन कॉलम वन का। इसी तरह से ये भी एक सेल है, यह भी एक सेल है। ये जो सेल है, जैसे अगर हम इस सेल की बात करें तो इसका रो नंबर तो हो गया टू और कॉलम नंबर वन, तो टू रो कॉलम वन का सेल, इस तरह से। तो इस तरह की टेबल हम इंसर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आपने एक टेबल बना दी, टेबल की जरूरत कहां पड़ेगी, मान लीजिए हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें हमें कोई डेटा दिखाना है, कुछ फिगर्स दिखाने हैं, या मान लीजिए हम स्टूडेंट की एक रिपोर्ट टाइप की कुछ बना रहे हैं, कोई चार्ट है उसमें हमें स्टूडेंट का नाम और उसका मार्क्स वगैरह लिखना है, अगर इस तरह की कोई टेबल हमें दिखानी है तो उसके लिए हम टेबल ही बनाते हैं इस तरह की चीजों के लिए। अब टेबल जो है इसमें आपने सबसे पहले लिखा जैसे कि रोल नंबर, फिर आपने लिखा स्टूडेंट का नाम, उसके मार्क्स, राइट, जैसे कि मान लीजिए आपने बताया हिंदी में मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स, और यहाँ पे आपने लिखा साइंस के मार्क्स। इस तरह से आप कोई टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा रोल नंबर टू, उसका नाम जो भी कुछ है वो आपने लिख दिया, उसके जो मार्क्स हैं वो आपने लिख दिए। इसी तरह से रोल नंबर थ्री, उसका नाम। तो इस तरह से आप जो डेटा है वो देंगे, राइट। तो अब ये हमारी एक टेबल हो गई। इसमें ये क्या है, रोज हैं, ये रो, ये रो, ये रो, और ये कॉलम्स हैं। तो जो कॉलम्स होते हैं, जैसे कि ये पहला कॉलम, ये पहला कॉलम जो है ये एक फील्ड बताता है। ये रोल नंबर क्या है, एक फील्ड है, फील्ड, फील्ड जिसका कोई नाम भी होगा, और फील्ड से हमें ये पता चलता है कि इस सेल में किस तरह के, इस वाला जो कॉलम है इसमें किस तरह का डेटा आएगा, न्यूमेरिक आएगा, कैरेक्टर आएगा, रोल नंबर आएगा कि नाम आएगा, या मार्क्स आएंगे, या परसेंटेज आएगा, राइट। ये हमें किससे पता चलता है, फील्ड से। तो ये हम कॉलम बोलें या कॉलम्स में बेसिकली क्या आ रही है, फील्ड्स, फील्ड्स। तो रोल नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, मतलब ये एक फील्ड है और इस फील्ड का नाम क्या है, रोल नंबर। इसी तरह से इस फील्ड का नाम क्या है, नेम। इस फील्ड का नाम है हिंदी मार्क्स। रोल नंबर वाली फील्ड में किस तरह का डेटा आएगा, नंबर टाइप का। नेम में किस तरह का डेटा आएगा, कैरेक्टर टाइप का, टेक्स्ट। इसमें न्यूमेरिकल, डेसिमल में वैल्यू हो सकती है। इस तरह से अलग अलग फील्ड्स को डिनोट करते हैं हमारे अलग अलग कॉलम्स। हमारी पहली रो में हम, जैसे कि अगर फील्ड्स के बारे में स्टोर कर रहे हैं, फील्ड्स के नाम स्टोर कर रहे हैं, तो नीचे की रो से हम क्या स्टोर करेंगे, ये जो टू थ्री फोर ये सब क्या है हमारे, इनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स। जैसे कि ये एक्स नाम के स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड है कि उसका रोल नंबर टू है, उसका नाम यह है, उसके मार्क्स इतने हैं इंग्लिश में, साइंस में, इस तरह से। इसी तरह से ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो रोज जो हैं वो रिकॉर्ड्स को इंडिकेट करती हैं, और कॉलम्स जो हैं वो फील्ड्स को इंडिकेट करते हैं। तो कॉलम्स में फील्ड्स आती हैं, और हम किसी एक रो के लिए अगर ये सारी फील्ड्स के बारे में बात करें तो ये बन जाता है एक रिकॉर्ड, एक स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड। इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो कि रो में हम दिखाते हैं। तो इस तरह की टेबल, या इस कोई और प्रकार की टेबल भी आप
मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज का डेटा है, मान लीजिए आप टीचर्स पर कुछ बना रहे हैं तो टीचर्स के नाम बता रहे हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो बता रहे हैं, तो टेबल्स किसी भी उस पर हो सकती है। तो इस तरह की टेबल चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाकर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे और उसमें हम बनाएंगे टेबल। चलिए यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा टेबल, तो टेबल में हम बताएंगे कि कितने रोज और कितने कॉलम्स की टेबल हमें बनानी है। ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए हमें 4-5 रोज लेनी है और 4 कॉलम्स, 4 फील्ड्स हमें स्टोर करनी है। देखिए ये टेबल बन गई, टेबल बनकर आ गई। अब जैसे यहां पर हमने लिखा सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा रोल नंबर, और फिर हमने लिखा परसेंटेज, और उसके बाद हमने लिख दिया परसेंटेज। अब दो जगह परसेंटेज है, इसका अर्थ क्या है एक्चुअल में, कि यहां पर तो हम स्टोर कर रहे हैं हाफ ईयरली वाली परसेंटेज और यहां पर हम स्टोर कर रहे हैं फाइनल वाली परसेंटेज। तो देखिए जैसे कि यहां पर हम परसेंटेज में लिख रहे हैं हाफ ईयरली, हाफ ईयरली की परसेंटेज। तो यहां पर आके हमने एंटर की दी तो ये नीचे की तरफ आ गए हम फाइनल एग्जाम। तो इस तरह से हम दे रहे हैं। अब जैसे यहां पे आपको डेटा एंट्री करनी है, अब आप एक सेल से दूसरे सेल पर कैसे जाएंगे इसको देखिए। एक सेल से दूसरे सेल पे, जैसे किसी भी सेल पर हमें कुछ लिखना है तो आप उस सेल के अंदर क्लिक कर दीजिए। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि यहां पर आप रोल नंबर लिख सकते हैं, यहां लिख रहे हैं आप यहां पर लिख लीजिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं क्लिक करके। तो ये तो माउस से क्लिक करेंगे, अगर माउस नहीं है कीबोर्ड से काम कर रहे हैं टैब, टैब से क्या होता है एक सेल आगे चले जाते हैं। ये देखिए पीछे जाना है तो शिफ्ट टैब, पीछे जाने के लिए क्या दबा रहे हैं हम शिफ्ट प्लस टैब की। ये देखिए चलिए हम पूरा डेटा लिखते हैं। तो यहां हम परसेंटेज लिख रहे हैं, ये देखिए फिर टैप की दी आगे पहुंच गए। अब नेक्स्ट लिखेंगे तो क्या लिखना है हमें, जो भी डेटा हमारा है वो हम लिखेंगे और फिर से टैप देंगे। तो टैप देंगे तो अब हम कहां पहुंच गए, इस जहां पर टू लिखा हुआ है वहां पे लिखा हुआ है आगे के सेल पे जाना है, वापस से टैप दीजिए, टैप राइट। इस तरह से हम कंप्लीट डेटा जो है वो एंटर कर लेंगे और माउस से तो बहुत इजी है, जहां आपको लिखना है वहां क्लिक कर दीजिए और फिर आप एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां पर हम हैं, यहां पे भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, टैब से स्विच कर सकते हैं, शिफ्ट टैब दबा के पीछे जा सकते हैं किसी भी सेल में। अगर दोबारा से मान लीजिए यहाँ पे 13 की जगह 14 लिखना है तो ये लिख दिया, इस तरह से फटाफट से डेटा एंट्री हो सकती है। अब जैसे कि हम किस पर हैं, आखिरी रो के आखिरी कॉलम पर, यानी कि आखिरी सेल हमारी टेबल का जो आखिरी सेल है उस पर है हम, तो हम क्या देंगे दोबारा से टैब की देंगे तो एक नई रो मिल जाएगी। टैब हम क्यों देते हैं, आगे बढ़ने के लिए, एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए आगे बढ़ते हुए। तो टैब देंगे हम तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए
जैसे जैसे आप आखिरी सेल पर आएंगे और टैप की देंगे तो एक नई रो इंसर्ट होती जाएगी। तो इस तरह से आप और आगे की जो डेटा है आपको 5, 6 जितने भी, मान लीजिए हमें 8 स्टूडेंट्स का डेटा डालना है तो हम दे सकते हैं। रोल नंबर 8, रोल नंबर 7, इन सब का डेटा हम यहां पर एंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि यहां पर रोल नंबर 11 जो है वो मुझे डालना है, मान लीजिए मुझे बीच में डालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, जैसे कि मुझे रोल यहां पे सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3 के बीच में क्या चाहिए, एक ब्लैंक रो। अगर यहां पर आके मैं टैब देती हूं तो हम 3 पर आएंगे, क्योंकि टैब से हम आगे बढ़ते हैं, वो तो जब आखिरी सेल पर आके हम टैब देते हैं तो नई रो आ जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप यहां पर देखिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इंसर्ट, डिलीट सेल्स, स्प्लिट सेल्स, राइट, टेबल से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हम किसी चीज पर राइट क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित जो ऑप्शंस हैं वो हमें शॉर्टकट मेन्यू में दिख जाते हैं। तो जब टेबल पर आप हैं, टेबल के सेल पर राइट क्लिक करेंगे तो टेबल से संबंधित ऑप्शन मिलेंगे। देखिए इंसर्ट आ रहा है शॉर्टकट मेन्यू में, तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, यानी कि जहां पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट में कॉलम ऐड करना है या राइट में कॉलम इंसर्ट करना है या रो डालनी है नई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो मैंने कहा इंसर्ट रोज बिलो, ये देखिए नई रो आ गई, यहां पर आ गई एक नई रो। कैसे आई, राइट क्लिक करा, शॉर्टकट मेन्यू में से चुना इंसर्ट। अब जो भी कुछ आपको करना है, नई रो डालनी है या कॉलम, ये आप बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ये देखिए राइट में एक कॉलम आ गया, आ गया यहां पर। जैसे कि ग्रेड, कौन सी ग्रेड आई है उसके लिए हमने एक डाल दिया यहां पर। राइट, तो इस तरह से रोज और कॉलम्स डाली जा सकती हैं। और अगर डिलीट करनी है तो क्या करेंगे, डिलीट करने के लिए जैसे कि हम इस रो पर हैं, राइट क्लिक किया, अब यहां पर आ रहा है डिलीट सेल्स, तो ये हमसे पूछेगा डिलीट सेल्स में कि क्या आपको पूरी रो डिलीट करनी है या आपको कॉलम डिलीट करना है। अगर मैंने चुना कॉलम तो जिस कॉलम पर हमारा कर्सर है वो कॉलम, यानी कि अभी सीरियल नंबर वाले पे है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा, और अगर रो करा तो रो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए मैंने चुना रो, डिलीट एंटायर रो, ओके किया, ये देखिए रो डिलीट हो गई। 3 और 4 के बीच में हमने एक नई रो डाली थी तो वो रो डिलीट हो गई। राइट, तो टेबल बनने के बाद भी हम उसमें नई नई रोज इंसर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें कोई कंप्लीट रो या कोई कंप्लीट कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है। तो टेबल बन गई, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चिंता की कोई बात नहीं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करके टेक्स्ट को कट, कॉपी पेस्ट है या फॉर्मेटिंग करना है वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम टेबल पर हैं तो एक तो हमारे पास है कि राइट क्लिक करके हम टेबल से संबंधित ऑप्शंस चुन सकते हैं, दूसरा ये जो हम टैब देख रहे हैं, रिबन देख रहे हैं कि उस पे होम इंसर्ट आ रहा है, जब हम टेबल पर हैं तो हमारे पास एक और टेबल टूल्स नाम का एक टैब जुड़ जाता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे पास टेबल से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हम टेबल को विभिन्न प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से उसमें जो उसकी लुकिंग है या उसको कैसे आप चीज़ों को दिखाना चाहते हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो टेबल टूल्स जो हैं उनमें आपके पास बहुत तरह तरह के टूल्स हैं टेबल की डिज़ाइनिंग, टेबल से संबंधित जो जो ऑप्शंस हैं उनको सेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद टेबल टूल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो एक सिंपल सी टेबल क्रिएट करना हमने सीख लिया, लेकिन टेबल से संबंधित और भी ऑप्शंस हैं जिनको अगर हम जान लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आप किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं। टेबल में कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ सेल्स को हमें मर्ज करना होता है, या फिर कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि एक सेल है, उस सेल को हम दो रोज में या दो कॉलम्स में विभाजित कर दें, तो उसको बोलते हैं सेल स्प्लिटिंग, सेल स्प्लिट करना, सेल को, एक सेल को कुछ रोज या कुछ कॉलम्स में विभाजित करना, स्प्लिट, स्प्लिट करना, विभाजित करना। और एक होता है मर्ज करना, यानी कि कुछ सेल्स हैं तीन चार, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, उनको मिलाकर एक सेल बना दिया। तो किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं आप, इतने सारे टेबल टूल्स यहाँ पर हैं। आप कुछ सेल्स को चुनकर उनको मर्ज कर सकते हैं, या एक सेल को कई सारे सेल्स में, इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें स्प्लिट और मर्ज करना जो है, ये ऑप्शंस हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमने जो अभी टेबल बनाई है, एक बार इसकी डिजाइनिंग करना सीख लेते हैं। अगर टेबल को कुछ थोड़ा लुकिंग जो है वो हमें करना है, एक तो जो यहाँ पर हमने टेबल बनाई है, इस पे जब आप बॉर्डर्स पर जाएंगे तो देखिए आप इस तरह से ड्रैग करके सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए सेल को बड़ा या छोटा किया जा सकता है, राइट। जैसे कि यहां पर थोड़ा सा हमने कहा इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये देखिए इससे क्या हुआ, सेल बड़ा हो गया, उसकी जो चौड़ाई है ज्यादा हो गई, तो परसेंटेज पूरा आ गया इस तरह से। तो ये आप जब बॉर्डर्स पर जाते हैं तो बॉर्डर्स पे आप देखिए, अभी तो इस तरह का दिख रहा है कर्सर, ये कर्सर दिख रहा है ना, इस तरह का माउस पॉइंटर जो है वो आई की जैसा दिख रहा है, यानी कि आप क्लिक करेंगे तो कर्सर आ जाएगा। और जब बॉर्डर्स पर जाते हैं तो इस तरह से एरोज आ जाती हैं, डबल लाइन और दोनों तरफ एरोज। तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके आपको जैसे भी ये शिफ्ट करना है आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए, राइट। तो सेल को बड़ा छोटा कर सकते हैं ड्रैग करके, या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें किस तरह से क्या हो। अच्छा, एक तो राइट क्लिक करके हमें शॉर्टकट मिलेगा, उसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, ऊपर रो इंसर्ट करनी है या नीचे रो इंसर्ट करनी है, वो चीज आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ और क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें। डिलीट सेल्स, सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सेल को विभाजित करना हो तो वो कर सकते हैं, अपनी टेबल पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए पहले ये चीजें करके देखते हैं। तो अभी हम एक बार एक रो इंसर्ट करते हैं, रोज बिलो, ये देखिए रो इंसर्ट हो गई। अब जैसे कि मैं इधर हूं और मैंने कहा इंसर्ट इंसर्ट रोज बिलो, एक रो इंसर्ट हो गई। अब जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको तो हटा देती हूं, इसको भी हटा देते हैं हम, राइट। और यहाँ पे हमने परसेंटेज जो डाली है वो किस चीज की डाली है, हाफ ईयरली की, और यहाँ पे हमने डाली है फाइनल की, राइट। तो अब ये क्या हो रहा है, ये पूरी हमारी हेडिंग हो गई। और जैसे हम ये चाहते हैं ये दोनों सेल मिलकर एक हो जाए, तो हमने राइट क्लिक करा और कहा मर्ज सेल्स। पहले सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको कुछ सेल्स मर्ज करने हैं
दो तीन सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाना है, उन सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप मर्ज सेल कमांड देंगे तो सेल्स मर्ज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दो रोज थी लेकिन अब ये एक कंप्लीट सेल हो गया है और ये लिखा हुआ है सीरियल नंबर। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास है सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट यानी कि सेल में टॉप लेफ्ट पर कुछ लिखना है या सेंटर में लिखना है, अलाइन सेंटर में करना है उसको या राइट में करना है, वर्टिकली अलाइन करना है। ये देखिए हमने चुना इस तरह से। अब ये सीरियल नंबर बीचों बीच दिखाई दे रहा है, पहले ऊपर दिखाई दे रहा था, जैसे कि ये रोल नंबर दिखाई दे रहा है। सेल को चुन लीजिए, राइट क्लिक करिए, सेल अलाइनमेंट पर जाकर आप अगर बॉटम चुनते हैं तो ये इस तरह से बॉटम में नजर आएगा, और अगर आप सेंटर चुनते हैं वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जैसे कि सभी में मुझे ऐसा करना है तो सबको चुन लिया, सेल अलाइनमेंट पे गए और कहा सेंटर, तो सभी में सब चीजें सेंटर पर आएंगी। अब जैसे ग्रेड वाला है, ये भी मुझे एक बनाना है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया दोनों सेल्स को और कहा मर्ज सेल्स, सेल्स मर्ज हो गए। तो केवल ये देखिए ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं जिसमें हम बता रहे हैं परसेंटेज, ये हाफ ईयरली की है, ये फाइनल की है, बाकी ये सेल्स इस तरह से हैं। अलाइनमेंट हम सेट कर देते हैं, सेल अलाइनमेंट इसका हम ले लेते हैं सेंटर, तो ये हमारी ग्रेडिंग हो गई, राइट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जैसे कई बार हम कोई डेटा डालते हैं जिसमें जैसे कि हम फोन नंबर लिखते हैं, तो सेल्स को मर्ज करना आपको आगे, जैसे ये सारे सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लिया आपने और राइट क्लिक करके आपने कहा मर्ज सेल्स, ये देखिए ये एक कंप्लीट सेल बन गया, अलग अलग सेल्स नहीं है ये, अब एक सेल बन गया। इसी तरह से इनको अगर आप स्प्लिट करना चाहें तो आप इस सेल पर जाएं और आपने कहा स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स में आपको पूछेगा कि इसे आपको कितने कॉलम्स या कितने रोज में विभाजित करना है, तो हमने कहा इसको मान लीजिए दो रोज में विभाजित करना है। ये देखिए, तो ये देखिए बीच में अलग तरह से आ रहा है, हमने इस सेल को दो रोज और दो कॉलम्स में विभाजित कर दिया। कंट्रोल जेड करके हम देख सकते हैं पहले कैसे था, इस तरह से एक सेल था, अब यहां पर कितने कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार और पांच। तो चलिए हम ये करते हैं, स्प्लिट सेल्स में जाके हम दे देते हैं कि इसको पांच कॉलम्स में विभाजित कर दीजिए। ये देखिए इसने पांच कॉलम्स में विभाजित कर दिया, लेकिन ये चीज अलग है और ये चीज यहां पर अलग तरह से है, क्योंकि स्प्लिट किया हुआ है, ऊपर नेचुरल उसमें चल रहा है। तो आप सेलेक्ट करके अगर मर्ज करना चाहें तो मर्ज कर सकते हैं, राइट। तो आपको मर्जिंग और स्प्लिटिंग समझ में आ गई, एक सेल को कई सेलों में विभाजित करना इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, और एक सेल कई सारे जो सेल्स हैं उनको चुनकर अगर हम देते हैं मर्ज सेल्स तो ये सेल एक बन जाता है, मर्ज हो जाते हैं। देखिए चार सेल हमने चुने थे, ये एक सेल बन गया। तो मर्जिंग और स्प्लिटिंग कर सकते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमारी ये टेबल है, चलिए हम कुछ रोज हैं उनको डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये वाली रो, तो राइट क्लिक करा, डिलीट रोज पे गए, डिलीट हो गई रो, राइट। तो रोज को डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह से किया जा सकता है। अब ये टेबल है तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेबल्स टूल्स, जिसमें टेबल की डिजाइनिंग और टेबल के लेआउट संबंधित ऑप्शंस हैं। तो डिजाइन में हम टेबल को किसी भी तरह का रूप दे सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत तरह तरह के डिजाइन आ रहे हैं, ये देखिए ये एक डिजाइन है, ये एक अलग डिजाइन है, इस तरह से ये अलग अलग डिजाइन हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग डिजाइन में से जो आपको डिजाइन पसंद हो वो ले सकते हैं। देखिए तो इन डिजाइन में है कि बॉर्डर्स कैसे दिखेंगे टेबल के, टेबल का डेटा कौन से रंग का दिखेगा, हेडिंग किस तरह से दिखेगी, राइट। तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस और फॉन्ट्स, बॉर्डर्स, इनसे संबंधित है ये डिजाइनिंग। तो टेबल टूल्स में है डिजाइन। आप इसके अंदर कोई शेडिंग भरना चाहें तो शेडिंग भर सकते हैं, ये देखिए शेडिंग्स आ रही हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर को आप हाईलाइट करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है इसने सबसे अच्छे मार्क्स हैं इसके, तो हम इस सेल पर गए और हमने कहा शेडिंग, और जैसे अगर हम इसको ब्लू करके दिखाना चाहें तो ऐसे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। और अगर पूरी टेबल सेलेक्ट कर लें, ये देखिए पूरी टेबल कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करके,
टेबल के ऊपर जाते हैं तो एरो आ जाता है और सारे कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई, तो पूरी टेबल में भी आप शेडिंग भर सकते हैं। ये देखिए, जैसे भी रंग की शेडिंग आपको भरनी है आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। ये देखिए शेडिंग हमने कर दी एक ग्रे कलर की, तो ये सब शेडिंग्स हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स हैं, ये देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया, आप किसी भी तरह की शेडिंग कलरिंग ये सब कर सकते हैं। जैसे आपको डैश्ड बॉर्डर चाहिए हो तो वो भी कर सकते हैं। राइट, तो जिस भी तरह के हमें कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए वो हम चुनेंगे और बॉर्डर की विड्थ कैसी हो वो भी हम बता सकते हैं, ओके करेंगे। तो उस तरह से देखिए ये पूरी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ गया। राइट, अब इसमें और भी ऑप्शंस हैं, आप टेबल को कुछ और चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लेआउट में आप जाएंगे तो आप रोज कॉलम इंसर्ट करना डिलीट उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए डिलीट टेबल कहा तो पूरी टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी, इसमें ऑप्शंस भी आ रहे हैं डिलीट सेल्स डिलीट कॉलम्स डिलीट रो या डिलीट टेबल। डिलीट टेबल चुना तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। राइट, अभी कंट्रोल जेड कर दिया हमने और जैसे ही टेबल पे गए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ गए टेबल से संबंधित। इसके लेआउट में आपको इंसर्ट डिलीट ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा मर्ज और स्प्लिट के ऑप्शंस भी मिलेंगे जो कि हमें राइट क्लिक करने पर आ रहे थे। सेल का अलाइनमेंट, सेल का अलाइनमेंट क्या होता है, सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट बीचों बीच दिखे या लेफ्ट अलाइन दिखे राइट अलाइन दिखे। वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने किया था, चलिए करके देखते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया सब कुछ राइट और हमने इसमें से सेलेक्ट किया कि भाई सेंटर अलाइन करना है हमें। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम किसी भी तरह से इसको अलाइन कर सकते हैं। राइट, ये देखिए इस तरह से चीजें अच्छी दिखाई दे रही हैं और आप अपनी टेबल को बहुत अच्छे से फिर देख सकते हैं, कर सकते हैं उसमें काम। तो टेबल से संबंधित ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जब आप इनको काम में लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। आप सेल्स को सेलेक्ट करके कभी भी कुछ भी डिलीट इंसर्ट करना है वो चीजें कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाएंगे टेक्स्ट टेबल रिलेटेड। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और भी इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट में हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है पिक्चर। जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमें चुननी होगी पिक्चर। राइट, यहां पर हमें कोई पिक्चर चुननी होगी तो पिक्चर पड़ी भी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो आप उसको चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पिक्चर है हमारे पास, हमने उसको इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये पिक्चर आ गई। पिक्चर के बाहर क्लिक करेंगे तो पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी, पिक्चर पर क्लिक करेंगे पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। पिक्चर सेलेक्ट होने पर राइट क्लिक करेंगे तो पिक्चर से संबंधित ऑप्शंस आ जाएंगे और पिक्चर पे क्लिक करने पर हमें पिक्चर टूल्स करके भी एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा। हम पिक्चर को अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये जो पिक्चर आ रही है इसको अलग अलग तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। पिक्चर सेलेक्टेड है, अगर हम बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो पिक्चर के जो टूल्स हैं वो चले जाएंगे क्योंकि पिक्चर अब सेलेक्टेड नहीं है। जब पिक्चर सेलेक्टेड होगी आप उस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी तो पिक्चर टूल्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ टैब्स आ जाएगा एक फॉर्मेट पिक्चर है ना उसका, और आप पिक्चर को अलग अलग तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तब भी आपके पास पिक्चर से संबंधित ऑप्शंस आएंगे। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हैं आप। आपको पिक्चर जो है इस तरह से ओवल शेप में दिखानी है, पिक्चर पर आपको किसी भी प्रकार के अगर बॉर्डर्स डालने हैं, पिक्चर की ब्राइटनेस उसके कंट्रास्ट कलर्स ये सब अगर आपको चेंज करने हैं तो उसके लिए सब यहाँ पर ऑप्शंस उपलब्ध हैं। राइट, तो पिक्चर पे क्लिक करके आप पिक्चर से संबंधित जो सेटिंग्स हैं उनको कर सकते हैं।
पिक्चर की जो ब्राइटनेस है, कलर कॉन्ट्रास्ट हैं, पिक्चर पर आप चाहते हैं कोई बॉर्डर आ जाए, इसी तरह से पिक्चर के साथ साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको किस तरह से पिक्चर और टेक्स्ट को अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें आपको पिक्चर सेलेक्ट करने पर पिक्चर टूल्स के अंदर दिखाई देंगी। तो वहाँ से आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की क्लास में हमने टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना सीखा। इसके अलावा हमें और भी बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंसर्ट करना सीखना है, और इनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें इंसर्ट करके अपने जो जैसे कोई डायग्राम बनाना है तो जब भी इस तरह की कोई हम कोई आर्टिकल बना रहे हैं, कोई बुक बना रहे हैं, तो ये सारे जो टूल्स हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। चलिए बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।